अक्सर देखे होंगे लॉज में उसी का रिजल्ट होता है जिसमें लोग कहते हैं एक करो हो गया क्योंकि वो 20% वालों को ऐसे ही भगा दिया जैसे यूट्यूब पर अपनी एड को स्किप कर देता है। आए क्वेश्चन उठपटांग, हर्षवर्धन के चाचा का ब्याह किस रानी से हुआ था? हटाओ सच है तुम्हें, चाचा से क्या मतलब है? देखो एक बात बताते, बहुत खराब सच है, जिस लड़के को लगेगा उसको 100 में 100 मार्क्स लाना है उसका कभी रिजल्ट नहीं होगा, स्पेशली कंपटीशन में। ये स्ट्रेटजी बोर्ड में काम करती है, जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं टेंथ में, मैट्रिक में, इंटर में, वो बीएससी एमएससी उसमें काम करती है। सपोज करो कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कितने नंबर का? 100। भगवान उतर जाएगा तो 100 करेगा। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जानते क्या होता है? सबसे बेस्ट तरीका, इसका ऐसा 50% सेलेक्ट कीजिए कि हमको ये वाला ये टॉपिक हमको पढ़ लेना है। 50% ये डिसाइड कीजिए कि ये सारी चीजें हमें नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन को एग्जामिनर बनाता है ना, तो उसको ऐसा नहीं है कि पागल है उठा और आके क्वेश्चन बना के चल दिया। उसे एसएससी का लेना है या बीपीएससी का लेना है, यूपीएससी का, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देना है, एग्जाम लेना है, लेके चला गया। उसके लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ होता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस होता है एग्जाम देने का, वैसे ही एग्जामिनर के ऊपर एक सिलेबस होता है क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न, जिसमें वो 50% एवरेज क्वेश्चन सेट करता है, जिसके लिए बहुत खास मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल सिंसियरिटी की जरूरत है। इसके बाद का जो 30% क्वेश्चन होता है ये टफ होता है, और ये 20% उन्हीं को दिया जाता है जो बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, ताकि उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। ये 20% क्वेश्चन किसी कीमत पे आपसे नहीं हो सकता है। देखो बाबू, ये 20% कब हो सकता है? बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आप 100 में 100 करो। लेकिन जिसने यहां सोच लिया, आप कभी कभी देखते होंगे कुछ क्वेश्चन को हम बड़ा सीरियसली बताते होंगे, किसी किसी क्वेश्चन को बता के इग्नोर कर देते हैं, अरे हटा यार, जानते किसको? ये 20% वाले। रीजन क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट देखना है। हम ये 20% भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत क्या होगा? फिर आपसे रीजनिंग गया काम से, आपसे इंग्लिश गया काम से, मैथ गया काम से, सब चीज चौपट होने लगे। तो आपको क्या बनना है? जर्नलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। हमारे लिए क्या जाता है, हम तो पूरा लिखवा देंगे, पूरा ले सोच रहे इको राजवंश, तू कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि कम से कम ये वाला तो ससुरा किसी कीमत पे ना छूटे, ये वाला नहीं छूटे। रिजल्ट यही दिलाता है, जिनका कमांड इस पर हो गया उनका रिजल्ट हो जाएगा। इसको कभी नहीं देखना है। इवन मैथ में देखिएगा क्या होता है, लाइब्रेरी में कभी कभी चले जाते हैं हम भी। एक बार रात में देखे लड़का सीजीएल की तैयारी कर रहा था, कैट का मैथ बना रहा है। मतलब क्या कर लोगे यार, 20% वाले में जाओगे, इसमें जाओगे ना, 100 में 100 लाओगे यहाँ पे, बाकी इंग्लिश चौपट होगा। फिर टीयर वन में रीजनिंग और जीएस चौपट हो जाएगा, रीजनिंग चौपट हो जाएगा। यूपीएससी में एक लड़की थी श्वेता सिंह करके, ऐसे वो पीटी एग्जाम के कट ऑफ से केवल 1 नंबर ज्यादा पाई थी। अब उसका टीना डाबी भी थी, कई लड़कियां थे ऐसे, टीना डाबी भी थी, तो कट ऑफ से केवल कितना नंबर पाई थी? 1 नंबर, और टॉप में चल गए सर। बहुत से ऐसे, केवल टीना डाबी या श्वेता सिंह का एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हजारों के एग्जाम्पल मिले कि कट ऑफ से केवल कितना नंबर, 1, 2 या 3 नंबर जाते, और उसके बाद जब ओवरऑल मेंस का आया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले गए। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको ये डिसाइड रखना है कि कुछ ऐसे चीज रखिए कि जो हमसे भगवान भी नहीं छीन सकता है। कौन सा? ये 50% वाला। ये 50% आपसे पढ़ाई मांगता ही नहीं है, केवल सिंसियरिटी मांगता है। हम जितना पढ़ा रहे हैं, आप घर जाके उसको सरसरी निगाह से 10 बार देखिए, बस 20-25 मिनट देखिए, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सब लोग को समझा रहे हैं रिजल्ट लेने के, बहुत कम हम इस सब पे चर्चा करते हैं, आते होंगे देखते होंगे कल कहां तक पढ़ाए थे, चल दिया। इस पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मेहनत इससे करना है। इस वाले कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कभी कभी देख के सोचना हमारा दिमाग जल जाता है, अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर। तो कौन सा है? 20%। उसमें कभी मत पढ़िएगा। किसमें पढ़ना है आपको? ये दोनों, ये तो सब लोग को आता है मार्क्स। कोनो एग्जाम में बैठिएगा आपको ऐसा थोड़े 0 पाके आइएगा, लगभग तो इतना ही आएगा। इस सब में ध्यान से लेकर पढ़ना है। तो जितना आपका मटेरियल है या जो हम पढ़ाते हैं, तो हम भी इसी को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। जब आप यहां तक पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यहां बहुत मजा आता है, जब इसमें घुसते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और जब इसमें घुसते हैं तो बोरिंग लगने लगता है। तो ससुरा ये हमारा फेलो करा रहा है, पढ़ाई को बोरिंग भी बना रहा है, तो हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। आप लोग से कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बने तो घबराना है आप, वो भी देखना है कि वो 20% वाला है कि 85% वाला में गड़बड़ हो जा रहा है। अब अगर कोई पूछ दे आपसे कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, आपको कहेगा यार पुलकेसिन द्वितीय नहीं पता है सर, तो बोल भी किए थे, 20% नहीं आता है। अरे यार लेवल भी तो ध्यान रखो, वो 50% वाला में से है, उसको तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए।